चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके समसामयिक घटना चक्र वार्षिकांक के बारे में, जो ई दृष्टि निकालता है ना, और आप जानते हैं आपके यूपीपीसीएस के लिए और बाकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक से, ठीक है। तो इसमें हम लोग आपका बहुत बड़ा एक हिस्सा कवर कर चुके हैं, जिसमें राष्ट्रीय परिदृश्य भी देख चुके हैं, विधिक परिदृश्य भी देख चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी देख चुके हैं, आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे वैज्ञानिक परिदृश्य हो, इन्हें भी हम लोग कवर कर चुके हैं। आपका याद रखिए, हम लोग चर्चित जो आर्थिक परिदृश्य होते हैं उसे भी देख चुके हैं, संक्षिप्तियां बात कर रहे थे हम लोग। जैसे आपने देखा है शुरू में, हम लोगों ने आपका जो भी चर्चा में रहे 2019-20 में व्यक्ति रहे हैं उनको देख लिया है, तो जो भी सम्मान दिए गए हैं, पुरस्कार दिए गए हैं 2019-20 में, उन्हें भी देख लिया है। आपके जो भी चर्चित स्थल रहे हैं, जो जगह हो जाती हैं, जैसे अयोध्या हो गया, फिर चाहे आपका इलाहाबाद हो गया, प्रयागराज जिसे कहते हैं आज आप लोग, इन सबको भी देख चुके हैं। अब बात करनी है 2019-20 में जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं आई हैं उन्हें देखना है ना, ठीक है। योजना पर योजना, एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक के नाम से प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, उसी में हर क्लास आपकी डली हुई है। बाद में क्या करूंगा कि वो सभी को मर्ज कर दूंगा, अब कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं, उसके बाद आपका देखिए खत्म होने के बाद इसे एक भी कर देंगे, ठीक है। चलिए योजनाओं को देखते हैं। मोबाइल ऐप हरित पथ, मोबाइल ऐप हरित पथ, आपको मालूम होगा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भू ट्रैकिंग और वेब आधारित जीआईएस सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से वृक्षारोपण की निगरानी करने हेतु मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया गया है। 21 अगस्त 2020 को ये लॉन्च किया गया है। एक एक पॉइंट इसमें बड़े अच्छे से याद रखिए, आपसे इस तरह से पूछ लेगा कि जो हाल ही में अभी ऐप हरित ऐप पथ ये चर्चा में था, किस कारण था, किससे संबंधित थे, तो याद रखना एक तरह से वृक्षों की वृक्षारोपण की निगरानी के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया है, ये 20 अगस्त 2020 को किया है। इस योजना अंतर्गत राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपये में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां और 250 ग्राम चपाती और अचार प्रदान किया जाएगा। ये अच्छी बात है, पता है आप लोगों को, अगर इस तरह की सुविधा आपके स्टूडेंट इलाके में भी हो जाए तो आप लोग भी मतलब मजे करें फिर। लेकिन याद रखिए, कुछ समय बाद इसमें भी धांधली होने लगती है कि सही चीज नहीं मिलती है, देखता रहता हूं कि कभी फिर उसमें गड़बड़ी पाने लगते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा की नई योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा की एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना का शुभारंभ किया गया है। कब? 9 अगस्त 2020 की बात है। इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 20 से 2029 तक है, 20 से 29 तक, ठीक है। पर बात करते हैं एक और, कौन सी है, जैन थेन जोल गोल्ड रिसोर्ट परियोजना। तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत मिजोरम में कार्यान्वित थेन जोल गोल्ड रिसोर्ट परियोजना का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया 4 अगस्त 2020 को। आजकल जब भी आप देखते हो सुनते होंगे वर्चुअल उद्घाटन, बड़ा मतलब अच्छी बात है कि कम से कम खर्च तो बचता है, वरना आपके प्रधानमंत्री अगर विदेश जा रहे हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य यात्रा कर रहे हैं तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है, तो कम से कम यही अच्छी बात है कि यहीं से जाकर वो उद्घाटन कर लेते हैं बैठे बैठे, ठीक है। फिर बात करते हैं खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही एक तरह से है, आत्मनिर्भर भारत सुनते हैं आप लोग, उसी तरह खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। केंद्रीय मंत्री आपके नितिन गडकरी द्वारा खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन की मंजूरी 2 अगस्त 2020 को दी गई है। निजी सार्वजनिक मोड पर केवीआईसी द्वारा बनाई गई इस योजना के अंतर्गत के तहत केवीआईसी सफल निजी अगरबत्ती निर्माताओं के माध्यम से उन कारीगरों को अगरबत्ती बनाने की 47 मशीन और पाउडर मिक्सिंग मशीन, 5 मशीनों के सेट पर एक पाउडरिंग मिक्सिंग मशीन उपलब्ध कराएगा, जो व्यापार भागीदारों के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। फिर
पर आपने सुना होगा विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया गया है। विज्ञान प्रसार भारत सरकार और एनसीईआरटी के सहयोग से विज्ञान भारती की यह पहल 6 से 11वीं कक्षा के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ठीक है, फिर आपने सुना होगा अरुणोदय योजना। असम सरकार राज्य सरकार में लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया गया है 2 अक्टूबर 2020 को। आप लोग नीचे बताइए, लिखिए 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। ठीक है, इस योजना के तहत 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को आवश्यक वस्तुएं खरीदने हेतु राज्य सरकार प्रति महीने 830 रुपये प्रदान करेगी। एमएसएमई सक्षम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी द्वारा क्रेडिट ब्यूरो फार्म ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से एमएसएमई सक्षम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, मनोदर्पण केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल मनोदर्पण का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण के लिए मनोज सामाजिक सहायता प्रदान करना है। फिर आप सुनेंगे ई पोर्टल ASPIRE, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी द्वारा ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ई पोर्टल लॉन्च किए जाने की घोषणा की है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये किस लिए है देख लेते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आंध्र प्रदेश के 112 माफ करिएगा 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए पहले ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, फिर आप सुना होगा आपने लद्दाख खाद्य सुरक्षा योजना आई हुई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लद्दाख प्रशासन द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है 1 जुलाई 2020 को। इस योजना के कार्यान्वयन के साथ पूर्व में संचालित मुफ्ती मोहम्मद सईद खाद्य पात्रता योजना को बंद कर दिया गया है। पर आपने सुना होगा ड्रीम केरल प्रोजेक्ट, ड्रीम गर्ल तो सुना होगा लेकिन ड्रीम केरल प्रोजेक्ट भी सुन लीजिए आप लोग। केरल सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले केरल वासियों की क्षमता और अनुभव का लाभ प्राप्त करने हेतु ड्रीम केरल प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। 1 जुलाई 2020 की बात है। ठीक है, पर आपने सुना होगा एक एमएसएमई क्षेत्र की सहायता हेतु वित्त पोषण योजना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा उप ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम का नागपुर से शुभारंभ किया है। कहाँ से? नागपुर। इस स्कीम को एमएसएमई के लिए संकटग्रस्त परिसंपत्ति फंड उप अधीनस्थ ऋण भी कहा जाता है। इस योजना अंतर्गत उन प्रोमोटरों को 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाएगा जो इक्विटी के रूप में एमएसएमई में आगे निवेश करने हेतु बैंकों से कर्ज लेना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बाल श्रमिक, कौन सी? बाल श्रमिक विद्या योजना। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 12 जून 2020 को। याद रखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने किया है इसका। इस योजना के अंतर्गत क्या देखेंगे? सरकार चयनित लड़कों और लड़कियों को क्रमशः 1,000 और 1,200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। यानी कि लड़कियों के लिए 1,200, यानी कि लड़कों से भेदभाव किया जा रहा है, देख रहे हैं आप। फिर आप देखेंगे आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। गुजरात सरकार द्वारा योजना का शुभारंभ किया गया इसका 14 मई 2020 को। इस योजना के तहत निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों में लोग बैंकों से 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त ऋण 2% वार्षिक ब्याज पर प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपने सुना होगा ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम। तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुभारंभ किया गया है 14 मई 2020 की बात है।
मुख्यमंत्री ने एमएसएमई साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया है। ठीक है, होप पोर्टल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा राज्य की कुशल एवं अकुशल कामगार युवाओं का डाटाबेस तैयार करने हेतु होप नामक पोर्टल की लॉन्च किया है। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर होप। ठीक है, 13 मई 2020 की बात है। फिर आपने देखा होगा कि एफआईआर आपके द्वार योजना, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा द्वारा भोपाल में देश में अपनी तरह की पहली एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया गया 11 मई 2020 को। इस प्रकार की योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश का देश का पहला राज्य बन गया है एमपी। ठीक है, अभी आप लोगों ने देख यहाँ आंदोलन हो रहे थे भोपाल में, तो आप लोगों ने इनका वक्तव्य सुना होगा, नरोत्तम मिश्रा का, गृह मंत्री। तो ये बड़े विचित्र टाइप के नेता आप सोचिए आजकल के भाषण देते हैं। बोला कि वो, किसी ने बोला कि वो सुसाइड कर रहे हैं छात्र, तो बोला पहले नहीं कर रहे थे क्या? मतलब ऐसी बातें करते हैं कि इनकी इनका बेटा उस जगह होता तो शायद मालूम चलता कि ये घर परिवार में। आप लोग बेहतर जानते हैं मुझे लगता है कि आप तैयारी करने के लिए शहर से बाहर शहर जाते हैं। एक समय मैं देखिए आप लोग समझते होंगे मुझे लगता है बेहतर कि सुबह खाना बना लेता है तो वो यही कम खाता है सुबह, यही सोच के कि शाम के भी हो जाएगी उसकी सब्जी, या सुबह मतलब रोटियां बना लेता है तो वो सोचता है अरे आलस आप जानते हैं कि खाना बनाने में कितना आता होगा तो शाम को बना लेंगे, वो दिनों कई दिनों तक कपड़े साफ नहीं करता, वो कैसे रहता है एक रूम में उससे पूछिए। इनके इन्हें क्या है औकात इनकी मालूम, इन्हें तो बस अपने वीआईपी मिल रहा है सब कुछ, जनता का खून चूस चूस के। एक छात्र के बारे में जीवन बहुत संघर्ष होता है और आप लोग इसे बेहतर समझते होंगे। पर आपने सुना होगा प्रवासी राहत मित्र, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस ऐप का लोकार्पण किया गया है। ये 8 मई 2020 की बात है। इस ऐप की मदद से प्रवासी कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और इसके माध्यम से मजदूरों से जुड़े हर आंकड़े भी एकत्रित किए जाएंगे। पीएम आर एफ योजना में संशोधन, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना के विभिन्न संशोधन किए जाने की घोषणा की गई है। कब? 7 मई 2020 को। संशोधनों के बाद अब किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय, IISc, IIT और NIT और IISER, IIEST और CF, IIIT आदि के छात्रों के लिए गेट स्कोर की न्यूनतम आवश्यकता को 750 से घटाकर 650 कर दिया गया है। ठीक है, गरुड़ पोर्टल नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा। कब? 5 मई 2020 को। गरुड़ का पूरा नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। ठीक है, फिर आपने सुना होगा मानव क्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने हेतु बहु संस्थागत परियोजना चालू की गई है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपने प्रमुख कार्यक्रम न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव के माध्यम से मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने हेतु एक बहु संस्थागत परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। मई 2020 की बात है। यह परियोजना नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस IIT इंदौर और पेड्रोमिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों को शामिल भी की होंगे। ठीक है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड इस परियोजना का व्यावसायिक साझेदार होगा। फिर एक आपने सुना होगा स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंचायती राज दिवस के अवसर पर 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर इस योजना को शुरुआत की गई है 24 अप्रैल 2020 को। आप सभी जानते हैं कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस योजना के तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का उपयोग कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है। पर आपने सुना होगा 5T योजना, इसे भी याद रखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा COVID-19 महामारी का मुकाबला करने के हेतु 5T योजना का शुभारंभ किया गया। 5T योजना में सर्व परीक्षण, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और उपचार, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग शामिल है।
ये भी पूछ लेगा कि 5T का मतलब क्या होता है, सो इसे भी याद रखिए। उज बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना, इस परियोजना का कार्यान्वयन तीव्रता से करने हेतु केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई है, 3 फरवरी 2020 की बात है। इस परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में उज नदी, रावी नदी की सहायक नदी है, पर किया जाएगा। एक पूर्वोदय योजना के बारे में भी सुना होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा कोलकाता पश्चिम बंगाल में एकीकृत स्टील हब के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास हेतु इस्पात क्षेत्र में पूर्वोदय मिशन का शुभारंभ किया गया है 11 जनवरी 2020 को। प्रस्तावित एकीकृत स्टील हब में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश को भी शामिल किया जाएगा। ग्रीन क्रेडिट योजना, पर्यावरण मंत्रालय का वन सलाहकार समिति द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई है, कब? 9 जनवरी 2020 को। इस योजना के तहत जंगलों का किसी वस्तु या सामग्री के रूप में व्यापार किया जा सकेगा, ग्रीन क्रेडिट योजना। अब फिर आपने देखा होगा कि पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना। पूर्वोत्तर मतलब आप समझ रहे हैं, हमारा पूर्वोत्तर जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम इसी तरफ आते हैं। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस परियोजना हेतु इंद्रप्रस्थ गैस ग्रिड लिमिटेड को व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण के रूप में पूंजीगत अनुदान देने हेतु मंजूरी मिली है 8 जनवरी 2020 को। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? 1656 किलोमीटर, इनको याद रखिए। यह गैस पाइपलाइन ग्रिड पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सभी में विकसित की जाएगी। तो इन 8 राज्यों को याद रखिए, इसकी लंबाई याद रखिए, और किसके द्वारा, ये किसे मदद की गई? इंद्रप्रस्थ गैस ग्रिड लिमिटेड को। दिल्ली साइकिल वॉक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित तुगलकाबाद में इस परियोजना की आधारशिला रखी है 6 जनवरी 2020 को। दिल्ली साइकिल वॉक ट्रैक 200 किलोमीटर में विस्तारित होगा, जिसका निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा किया जाएगा। फिर आपने सुना होगा अभिनंदन योजना। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा गुवाहाटी में अभिनंदन नामक शिक्षा ऋण सब्सिडी को योजना का शुभारंभ किया गया है 26 दिसंबर 2019 की बात है। इस योजना अंतर्गत असम के स्थायी निवासी बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए ऋण लिए गए ऋण पर असम सरकार ब्याज सब्सिडी के रूप में 50,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र पहली सम्मान राशि योजना 2019। तो सरकार ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के मध्य प्रजातंत्र की रक्षा और लोगों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने वाले लोगों को आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम तथा डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत सम्मान राशि प्रदान करने हेतु मंजूरी प्रदान की है 2 दिसंबर 2019 की बात है। इस योजना के तहत सरकार सभी पात्र व्यक्तियों को प्रतिमाह 11,000 रुपये की राशि प्रदान करेंगे। फिर आपने सुना होगा स्टारलिंक परियोजना। अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स द्वारा अपनी स्टारलिंक परियोजना के एक भाग के रूप में फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा 60 उपग्रह पीछे अंतरिक्ष में स्थापित किए गए 11 नवंबर 2019 को। प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा बेंगलोर स्थित इसको इसरो मुख्यालय में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 10 अक्टूबर 2019 को। इस कार्यक्रम के तहत देश में प्रतिभाशाली छात्रों की खोज की जाएगी, उन्हें अपने कौशल और ज्ञान को समृद्ध बनाने हेतु प्रोत्साहित भी किया जाएगा। पहले चरण में ध्रुव में कार्यक्रम के तहत सरकारी और निजी स्कूलों के 12वीं से 12वीं तक के 60 अति प्रतिभावान छात्रों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक चयनित छात्र ध्रुव तारा कहलाएगा। फिर आपने सुना होगा मॉरिशस में 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ द्वारा वीडियो लिंक के माध्यम से उद्घाटन किया गया 3 अक्टूबर 2019 को। इन परियोजनाओं में मॉरिशस में LNT द्वारा निर्मित मेट्रो एक्सप्रेस लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना प्रथम चरण शामिल है। साथ ही ENT अस्पताल का उद्घाटन भी किया गया है, जो मॉरिशस का पहला कागज रहित ई अस्पताल होगा, कागज रहित। जमरानी बांध परियोजना।
केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण मंजूरी मिली है, पर्यावरणीय मंजूरी है। यह बहुउद्देशीय बांध गोला नदी पर नैनीताल जिले में निर्मित किया जाएगा। तो याद रखिए गोला नदी पर बनाया जाएगा नैनीताल जिले में। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा शिलान्यास किया गया था। 26 सितंबर 2019 की बात है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना का नाम राजा भोज के नाम पर भोज मेट्रो रेल करने की घोषणा की थी। एक बात और याद रखिए आप लोग, अब आपके इन्होंने देखा है कि आपके फिर मामा जो लोग इन्हें मामा मानते हैं शिवराज सिंह चौहान जो, उन्होंने गद्दी संभाल ली है। ठीक है, देखिए कुछ आप समझ रहे हैं, ज्यादा दिन तक वो रह भी नहीं सकते थे बिना गद्दी के। 15 साल तक जो मुख्यमंत्री रहा उसे कैसे चैन रह सकता है। उन्होंने तोड़ मोड़ के अपनी सरकार बना ली है। यही तो मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे वोट का फिर मतलब क्या है। जैसे हमने वोट दे दिया फिर पता नहीं कि वो किससे मिल रहा है, किससे क्या कर रहा है। हमने तो वोट उसे दिया था मतलब एक तरह से कि ये रहे स्थाई हमारा नेतृत्व करे, अगर हमें पसंद होगा तो हम उसे ही क्यों नहीं देंगे दूसरे वाले को। फिलहाल क्या कर सकते हैं हम लोग वोटर आदमी। मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन परियोजना ये काफी चर्चा में रहती है और काफी बार पूछी जा चुकी है अभी तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया गया था 10 सितंबर 2019 को। इस परियोजना की लागत राशि कितनी है, 325 करोड़ रुपए। 69 किलोमीटर लंबी इस पेट्रोलियम पाइपलाइन की क्षमता 2 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक है। यह दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन है। ठीक है, मोतिहारी अमलेख गंज तेल पाइपलाइन परियोजना भारत और नेपाल के बीच है। तो इसके साथ ये है आपकी कुछ ही 2019-20 में जो आपकी योजनाएं परियोजनाएं हुई हैं। आगे हम लोग बात कर लेंगे 2019-20 के ऑपरेशन अभियान जो भी चले हैं उन्हें भी हम लोग देख लेंगे। ये छोटी छोटी क्लासें आपकी, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक सेपरेट सेपरेट रहे, समझ रहे हैं आप लोग। लास्ट में आपका पूरा काम कर ही दूंगा कि मर्ज कर दूंगा, सभी को जोड़ दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी।